हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ जिसका आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी था कि मैम क्या सच में रीजनिंग में 35 में से 35 लाना मार्क्स आसान है? क्या हम स्ट्रेटेजी को यूज़ करें कि हमारे मार्क्स उतने आ जाए और हमारे पास टाइम भी उतना ही है, केवल 2 मंथ्स का टाइम है? तो बिल्कुल पॉसिबल है ये। तो आज मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि हम लोग किस स्ट्रेटेजी पे चलेंगे और क्या स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी कि 35 में 35 लाइन मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है और आ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उसी के बारे में। तो अगर हम पहले सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हम लोग किस हिसाब से आगे बढ़ना है, फर्स्ट चीज। तो अगर आपने कभी पेपर दिया है, अगर ना भी दिया हो तो कभी आपने देखा है इसके पेपर्स को, तो आपने एनालाइज किया होगा। नहीं किया तो फिर बता देती हूँ मैं आपको कि पेपर जो होता है 35 मार्क्स का आता है। टोटल मार्क्स का कितना होगा? 35 मार्क्स का होगा पेपर आपका। ये पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में होता है। कैसे? एक होता है केवल पजल का पोर्शन, 20 मार्क्स के आसपास आपकी केवल पजल आएगी 35 में से, और 15 मार्क्स का होगा स्कोरिंग टॉपिक। अगर आप देखेंगे आपका जो पेपर होगा रीजनिंग का पूरा सेक्शन जो होता है वो इन्हीं दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये होता है 20 मार्क्स की पजल आती है और अराउंड 15 to 16, मतलब एक दो प्लस मार्क्स कर लीजिए, अराउंड इतना मार्क्स का आपका स्कोरिंग टॉपिक रहता है। तो ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे कि पजल का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप सोचते हैं कि बिना पजल के काम चल जाए, नहीं चलेगा, तैयारी करना छोड़ दीजिए। अगर आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई पजल बनानी तो पड़ेगी, ये बात आपका फिक्स है, और यहाँ से भी स्कोर करना पड़ेगा तभी जाके कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो पाए। ओके, आज के टाइम में अगर आप देखें तो कम से कम एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में 35 मतलब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तब भी, कितना भी स्ट्रांग इंग्लिश हो तब भी फुल में से फुल मार्क्स नहीं आ पाते। तो बचता क्या है? रीजनिंग और मैथ्स। तो इनमें से किसी एक में तो फुल आउट ऑफ फुल तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपकी बात बनने वाली है। फर्स्ट चीज ये दिमाग में एकदम क्लियर कर चलना, एकदम क्लियर, ठीक है। अगली चीज बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम स्टार्ट कैसे करें, तैयारी करने की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से हम शुरू करें, कि कैसे हम लोग यूज करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बच्चों के मन में होता है कि हम उठाते हैं कभी कभी इनइक्वालिटी को, मन में आता है यार डायरेक्शन तो रह गया, उठाते डायरेक्शन को मन में आता है सिलोगिज्म तो रह गया, सिलोगिज्म को उठाते हैं मन में रहता है भाई इनपुट आउटपुट तो रह गया। ऐसे आप सबके मन में दुविधा रहती है, ये उठाओ वो याद आता है, वो उठाओ याद आता है। तो फर्स्ट चीज है, पहली बात, एकदम माइंड क्लियर करो, शुरुआत करो अपने दो चीजों से। एक पन्ने पे लिखो स्कोरिंग टॉपिक्स, ये आपके सामने, ये आपके स्कोरिंग टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले। इनइक्वालिटी इसी सीक्वेंस में आपको करना है, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिक्स हो गया सिंबल कोडिंग और सेवन्थ हो गया सीरीज, ठीक है, ये आपका ये हो गया। दूसरी चीज आती है पजल, एक आता है पजल। आप अपने पूरे सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक ये पूरा पोर्शन, एक पजल का पोर्शन। स्टार्ट कैसे करना है? शुरुआत कीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इंपॉर्टेंट क्यों है? मुश्किल से आपके सामने 5 से 6 सेकंड लेगा सवाल करने में। 5 सवाल आएंगे, 5 नहीं तो 4 तो आने आने ही है, 4 सवाल आएंगे, 3 से मुश्किल से आप 10 सेकंड लगाओगे इसको करने में, उतने में हल हो जाएगा। कितना अच्छा टॉपिक है। और एक उठाओ पजल को, साथ में उठाओ साइमल्टेनियसली। इसके जब आप पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, देखो हमेशा बोलते हैं पहली बार ही पढ़ना शुरू किया है तो टाइम लेगा, इसे कम से कम 50-60 सवाल लगाए, कम से कम 50-60 क्वेश्चन लगाए, उसके बाद जाके टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आ गया, हाँ भाई हाँ दिमाग में कुछ जा रहा है। और सेम इसकी बात है, इसकी 2 पजल लगाओ शुरुआत में। अगला, ये जब 50-60 क्वेश्चन हो जाए, कम से कम 50 है, मैं तो आपसे बोलूंगी हर टॉपिक के शुरुआत में 100 क्वेश्चन लगाइए, 100 क्वेश्चन इसके लगाइए, 2 पजल लगाइए, आज का काम खत्म हो गया। अगले दिन क्या करोगे? इसको उठाइए, 100 क्वेश्चन इसके लगाइए, 100 क्वेश्चन। 2 दिन का टाइम नहीं लगेगा, ब्लड रिलेशन करने में 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना इसीलिए नहीं हो पाएगा। 2 दिन लगाइए, इसकी वापस 2 पजल कीजिए, फिर इसको लगाइए, 100 क्वेश्चन लगाइए, वापस इसकी 2 से आज 4 कर लीजिए, आज पजल को 4 लगाइए,
फिर अगला टाइम इसके 100 क्वेश्चन लगाइए। रैंकिंग में पता कौन सा सवाल की बात कर रही हूँ मैं? एक तो वो सवाल होते हैं जो आपका लेफ्ट राइट वाले आते हैं, वो तो एक सवाल आएगा, लेकिन रैंकिंग में एक और टाइप के सवाल आते हैं, कौन लंबा है कौन छोटा है, लंबे के अकॉर्डिंग अरेंज करो, छोटे के अकॉर्डिंग अरेंज करो, मोटापे के अकॉर्डिंग अरेंज करो, पतले के अकॉर्डिंग अरेंज करो, स्कोर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करो, वो वाले सवाल वो बहुत आते हैं। फिर इस पे 100 क्वेश्चन लगाइए, तो इस सिक्वेंस में आपको भरना है। ये जो टॉपिक्स हैं आपको स्कोर करवाएंगे, मेरिट बनवाएंगे ये आपकी, तो इन टॉपिक्स को करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये करते हैं और रेगुलरली, अभी आप अगर नए हैं तो शुरुआत में 2-3 पजल लगाइए, रेगुलरली 2-3 पजल डेली लगाइए, एक हफ्ता या 10 दिन जब हो जाए, ऐसा करते करते 10 दिन के बाद आफ्टर 10 डेज आपको पजल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, शुरुआत कर दीजिए किसकी, 5-5 पजल लगाने के लिए। फिर 5-5 पजल लगाइए, जब 4 पजल और लगाइए, जब कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाए फिर 10 कर दीजिए पजल को, कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाए 15 कर दीजिए पजल को, और बिल्डअप हो जाए 20 कर दीजिए, 20 तो बहुत है। आपको उस पॉइंट तक लेके जाना है कि हमें 20 पजल हम डेली लगा पा रहे हैं, वो भी रात टाइम में नहीं, मुश्किल से 2-2.5 घंटे देखे, तब तो बात है मजे वाली। फर्स्ट पॉइंट ये याद करनी है। अब आप बोलोगे कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पजल तो धनाधन लगा रहे हैं, बिल्कुल एकदम दिन में 10-15-20-50 कितनी लगवा लो, लेकिन वो गलती क्या करें, वो इनमें से कोई टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो बोलते हैं हमें तो आता है। नहीं, सबसे बड़ी गलती जो आपको, जो आपका सिलेक्शन लेने रोकती है, वो यही चीज है। आपको इनइक्वालिटी आती है, मुझे भी आती है, छोटा सा बच्चा लोग उसको भी आती है, 10th 12th का बच्चा लोग उसको भी आती है। आप में, मुझ में और बच्चे में फर्क क्या है? उसकी स्पीड बहुत कम है, आपकी स्पीड उससे थोड़ी ज्यादा है और मेरी स्पीड आपसे ज्यादा है, फर्क इतना ही है स्पीड का। ओके, एग्जाम में केवल 20 मिनट रीजनिंग करने को, 20 मिनट से रीजनिंग करने को, और आपको ये पूरा पोर्शन मैक्स टू मैक्स मान के चलूंगी, आपको 8-9 मिनट के अंदर करना है, मैक्स टू मैक्स है, ज्यादा समय तो होता ही नहीं हमारे पास। इस सबको करने के लिए हमारे पास 8 मिनट्स होते हैं। आपको स्पीड इसमें बनानी है कि आप लोग ये पजल आप तभी कर पाओगे तब इन चीजों को 8 मिनट्स में आप सॉल्व कर पाओगे, तो आपको इस चीज की स्पीड बनानी है। आप शुरुआत में 100-100 क्वेश्चन लगाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, रेगुलरली इसके 10 सवाल लगाने, डेली लगाने बिना कोई डिस्टर्बेंस के 10 सवाल डेली, जब प्रैक्टिस हो जाए, जब आप एक बार 100-100 सवाल लगा चुके हैं, उसके बाद क्या करना है, इसके 10 सवाल डेली, 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 और इसके 10 सवाल डेली। मुश्किल से मुश्किल ये पूरा काम करने में आपको 1 घंटा लगेगा, पर 1 घंटे में आप इस 12 मार्क्स को आराम से कर पाओगे, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं, हाँ हमने किया था 4 दिन पहले तो किया था। नहीं, मुझे पता है आपको आता है, हर किसी को आता है, पर आपको स्पीड बनानी है, और स्पीड के लिए आपको रेगुलरली इसको टाइम देना पड़ेगा। जितना टाइम आप पजल को दे रहे हैं उतना ही टाइम इसको देना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो फर्स्ट चीज ये है, स्कोरिंग टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, स्कोरिंग टॉपिक को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें उसको उतनी ही ढंग से पढ़ना है इतना क्या पजल को पढ़ते हैं। आपको रेगुलरली 5-5 के पजल्स में आपको बढ़ाना है, जैसे एक हफ्ता 5 पजल किए, नेक्स्ट वीक 10 कर दीजिए, उसके नेक्स्ट वीक 15 कर दीजिए, उसके नेक्स्ट वीक 20 कर दीजिए। 20 हाईएस्ट है, इसके ऊपर लेके नहीं जाना है, 15 से 20 के बीच तक रखना है हमको रेगुलर पजल। इस महीने के एंड तक, अगस्त के एंड तक अगर ये मानिए कि भाई हमें 15 पजल तक पहुंचना है, उसके बाद जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक आप रेगुलरली 15-20 पजल लगानी है। अब अगली बात ये आएगी आपके पास, मैम इतने सवाल लाएंगी कहाँ से, तो इसके लिए जवाब मेरे पास है, प्रीवियस ईयर। आप बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर खरीद लीजिए, बहुत सवाल मिलेंगे आपको, आप करते करते थक जाएंगे पर सवाल खत्म नहीं होने वाले। बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर आता है, अगर आपके पास केरन का तो इजीली अवेलेबल होता ही मार्केट में, अगर केरन नहीं है आपका वो वाली है, अरियंत की है चलेगा, वो भी कोई भी एक पब्लिकेशन खरीद लीजिए, उसके सवाल लगाइए। आप इनको भी कर सकते हैं उसी किताब से और पजल भी कर सकते हैं, आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। फर्स्ट चीज, इससे बेटर तरीके कोई और नहीं इंप्रूव करने का आपकी स्पीड को, एक्यूरेसी को और अपने टॉपिक को। अगली बात हमारे सामने आती है, मैं मॉक टेस्ट कैसे दे और कब से दे, बहुत आती है
वैसे मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है कि देना कैसे प्रॉपरली मैंने बताया हुआ है आपको, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आज की रीजनिंग का मॉक टेस्ट। जब किसी भी एग्जाम मॉक टेस्ट कर देना है, डेली तो देना ही नहीं है, डेली आपको नहीं देना है। अभी डेली कब देंगे, जब एग्जाम को केवल 15-20 दिन रह जाएंगे, 15 दिन मान लिए, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा या 2-4 दिन पहले मान लीजिए, जब 15 दिन रह जाए एग्जाम को तब आपको डेली देने हैं। पर अभी डेली नहीं दोगे, डेली देने से कोई फायदा नहीं होगा। आज आप मॉक टेस्ट दीजिए, कल उसको एनालाइज कीजिए, परसों वापस मॉक टेस्ट दीजिए, अगले दिन वापस एनालाइज कीजिए, आपको ऐसे आपको मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट को देना कैसे है, पहली बात मैं बोलूँगी, आप रीजनिंग ऐसे आप सामने आई आपको, आप केवल स्कूल टॉपिक को स्कोर कीजिए, नहीं, मैं आपको ये बोलूँगी आपको पजल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपके सामने जो सवाल पहला है उसको बनाए। इतना ज़रूर बोलूँगी कि अड़ मत जाइए, अगर आपको लग रहा है कि इस पजल को बनाने में टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इस पजल को बनाने में, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम में सारे पजल बड़ी नहीं आएंगी, एक पजल बड़ी आएगी, बाकी सब छोटी छोटी आने वाली है। तो बाकी सबको साथ में बनाते हुए चलिए, जो एक बड़ी पजल है और आपको लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे तो ही उसको एंड के लिए छोड़िए, वरना तो मैं ये बोलूँगी शुरुआत आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि शुरुआत से लेकर एंड तक आप पजल को बना चले और पूरे पर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, और कम से कम टाइम लेके अटेम्प्ट करना है आपको, फर्स्ट चीज़। अब आपने मॉक टेस्ट दिया, चलो मॉक टेस्ट दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, आपने सबमिट भी कर दिया, सब कुछ काम हो गया, मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 50, मान लो 50 नंबर आए आपके मॉक टेस्ट के अंदर, मान लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स आए तो ठीक है, पर आपको तो मार्क्स बढ़ाने हैं ना, तो बढ़ाने के लिए हमें क्या से एनालाइज करना है, ये बात भी तो होती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग की यही होती है कि आपको आपके कहते हो यार टेस्ट दिया दिमाग खराब हो गया, टेस्ट देकर हम तो बर्बाद हो गए, हम ये हो गए, टेस्ट बंद किया और बस कुछ खा लेते, कुछ पी लेते, कुछ घूम जाते, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। टेस्ट दिया, टेस्ट से कुछ करना नहीं है, टेस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है, आपको उसे बढ़ाना है। आप कैसे एनालाइज करोगे, जब आप टेस्ट को सबमिट करते हो तो आपके सामने 3 चीज़ आती है, एक वो सवाल होते हैं जो आपने गलत किए, एक सवाल वो होते हैं जो आपने स्किप किए, एक सवाल वो होते हैं जो आपने क्या किए रॉन्ग कर दिए, स्किन करेक्ट किए, ये 3 टाइप के सवाल होते हैं। आप एनालाइज का तरीका देखिए, सबसे पहले आप वो सवाल देखिए जो आपने गलत किए, क्योंकि अगर वो मार्क्स क्वेश्चन गलत नहीं होते तो आपका स्कोर अच्छा होता, होता नहीं होता, अगर जो सवाल आपने गलत कर दिया वो गलत नहीं किए होते तो आपका स्कोर अच्छा अच्छा होता बिना मेहनत के। तो पहले वो चेक करिए कहाँ पे गलती करी है आपने, उसको प्रॉपर देखिए, जब वो सब कुछ देख लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद देखिए आपने सही सवाल जो किए उनमें टाइम कहाँ ज़्यादा लिया है, कहाँ मैं टाइम बचा सकती थी या बचा सकता था, और कहाँ मैंने वेस्ट किया टाइम, उसको देखिए। जब ये दोनों देख लिए उसके बाद एक बार स्किप वाले जो क्वेश्चन है आपके, अगर वो छोटे थे, लेंदी नहीं था, छोटा था, तो देखिए हमने स्किप क्यों किया उनको। तो सीक्वेंस ये होना चाहिए, पहले आप देखिए रॉन्ग कौन से हुए, फिर करेक्ट जो किए उनमें से टाइम किसने ज़्यादा लिया, उसके बाद आप देखिए आपने स्किप सवाल कौन से किए। अगर आप इस तरीके से एनालाइज करते जाओगे पेपर को, तो आपका देखिएगा हर एक पेपर में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जो गलती आज आपने यहाँ की है वो गलती आप अगले पेपर में नहीं करोगे, जो गलती अगले पेपर में की है वो गलती अगले पेपर में नहीं करोगे, और ऐसे ऐसे करते करते हम बहुत ही इजीली 60-70 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर पाएंगे। 70 मार्क्स तक स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा रेगुलरिटी चाहिए, और कंसिस्टेंसी चाहिए कि रेगुलरली हम लोग पढ़ें उस चीज़ को, एनालाइज करें चीज़ों को। तो इस तरीके से हम रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। शर्त वो इतनी है, जिस हिसाब से मैंने बोला है वैसा पढ़ना चालू कीजिए, पेपर को एनालाइज करना चालू कीजिए, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो लोग एग्ज़ाम देने वाले उनको शेयर कीजिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आपको लगता है आपके लिए अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।